ये क्या करी हो तुम ये? अब अपने हाथ आगे करो। हाथ क्यों? क्या कर रही हो तुम? मेरे हाथ बंद क्यों गए हैं? क्या कर रही हो? ये कैसी आवाज है? मैं मेरे हाथ खोलो, ये क्या बांधा मेरे चेहरे पे, उसे हटाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, आप ये सब इसलिए कर रहे हो ना कि ताकि आप हमें किडनैप कर सको। किडनैप? क्या? हाँ? सब पता है पीयू को, क्या प्लान है आपका? क्यों नहीं प्लान? क्या कह रही हो तुम? ये फोर्स करना कि ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। एक सेकंड पीयू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ओके, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किडनैप करके अपनी हेल्प करवाना चाहता हूँ? तो मुझे गलत समझ रही हो। ओके, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अब पैर अंकलो मूवीज वाले। एक सेकंड, फिर अभी तुमने जो कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम दोस्ती कर रही थी, वो सब नाटक था, मुझे बुद्धू बना रही थी, मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया है। ओके, बुद्धू बना रही थी मुझे। बुद्धू तो आप मिसुद को बना रहे हो, कब के खिला के सिक कर दोगे? व्हाट? अरे कोई बच्ची को संभालो, इसकी माँ का है यार, तुम्हारी माँ का है, कोई बचाओ। पीहू, अरे बेटा क्या कर रहे हो आप ये? प्रिया, इसने मुझे, मेरी आंखें बंद है, ये बांध दिया मुझे, कुछ हेल्प मी, आई नीड टू गेट आउट। यार ये हमें किडनैप करना चाहता है, देखो इनके पास क्या क्या है। बेटा क्या बोल रहे हो आप? ये तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा? ऐसा नहीं है। ओके, मैं किडनैप विडनैप नहीं करता। प्रिया समझाओ इसे। ये देखो, ये देख ही रही हूँ। मुझे पता है तुम ये सब देख के क्या सोच रही हो। ये मैं क्या सोचूंगी? मैं क्यों सोचूंगी? मुझे तो ऑलरेडी पता है आपके बारे में। आए दिन ये सब जो आर्टिकल पेपर में आते रहते हैं, ये सब ऐसे थोड़ी ना आते हैं। धुआं तो वही होता है ना जहाँ पर आग लगी होती है। तो ये धुआं आग कहाँ है? ये मिसुल और बैड अंकल क्या बात कर रहे हैं? प्रिया ऐसा नहीं है। तो कैसा है? और एक्चुअली मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं कौन होती हूँ आपकी लाइफ में? आप मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों देंगे? जो तुम सोच रही हो ऐसा, इट्स नॉट दैट। ओके मिस्टर कपूर, इट्स ओके। मतलब अरे ये मेरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। ये फिर किसका है? रोहित का है। अब आप ये कहेंगे फार्म हाउस भी रोहित का है ना? यू नो व्हाट, मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। हां ये तुम्हें जैसा सही लगे ना वैसा ही है। ओके ये मेरा है, तुम्हें लगता है मेरा है तो ठीक है, मेरा है। ओके खुश अब, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि 5 साल पहले मुझे तो तुम छोड़। इसने से प्लीज बोलो मेरा हैंडकफ खोले। पीहू जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। वो आपको किडनैप करना नहीं चाहते हैं, प्लीज उनके हाथ खोलो, खोलो अभी। नो मिस्टर, ये बहुत चंट है, मैं आपको प्रोटेक्ट कर लूंगी। एक सेकंड, डिड यू हियर दैट? शी कॉल्ड मी अ चंट। इतने सारे मैंने एफर्ट्स किए इसके लिए और इसने मुझे चंट कहा। अगर मैं चंट हूं तो तुम्हारी माँ क्या है? हां मेरी वो जो मूंगफली वाली वो मैगजीन में फोटो आई थी, उसे मूंगफली डाल के अंदर छुपा के रखी है। क्यों? मैंने कहा था ना वो मूंगफली वाले ने दिया था, मैंने नहीं लिया। अच्छा तो मूंगफली वाले ने चुनकर तुम्हें वो तस्वीर दी जैसे वो जानता था हमारे बारे में? वो सब मैं नहीं जानती, पर आज जो कुछ हुआ ना उसके बाद ये मुझे समझ में आ गया कि छी बोलने में भी शर्म आ रही है। ये क्या है? इसे क्या करते हैं? Excuse me, ये सब मेरा नहीं है, मैंने कहा ना तुम। अभी तो आपने कहा कि ये आपका है। तो क्या कहता, तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी, लेकिन उसके पहले भी कुछ कहा था ना मैंने, तब नहीं सुना तुमने? ठीक है अब बताइए, अब मुझे सुनना है किसका है ये? फ्रेंड का है। कौन सी फ्रेंड? कौन सी नहीं, कौन सा है यार, जिसे अपनी लाइफ जैसे लीड करनी है वो करे। मैं क्यों रुकूं? मैं क्या होता हूँ ये करने वाला? ये मतलब, और ये मुझे क्या दिखा रही हो? मुझे दो ये, just give it to me। ये केक काटने के लिए इसे मेरा गला काटोगी क्या? तू क्या कर रही हो यार, ये अलग लगी पड़ी है बच्ची। बचा रही हूँ मिसुद को, आप इनको मारने वाले थे ना? पीहू ऐसा कुछ नहीं है, इनके हाथ खोलो आप। प्लीज खोलो आप। नो ये ऐसा कर सकते, ये रूड है, मीन है, खड़ूस है, अब किडनैपर भी। एक्सक्यूज मी, मैं किडनैपर नहीं हूँ, मेरी आंखों में देखो ऐसा लगता है कि मैं किडनैपर हूँ। ये आंखें किडनैपर की आंखें हैं क्या? हाँ लगते हो। हाँ? नहीं है बेटा। नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है, आप बस उनके हाथ खोलो। हाथ बेटा खोलो, प्लीज खोलो। नो अरे खोलो। हाँ आपका इनके ऊपर ट्रस्ट है? हाँ बेटा है। हाँ है बोला है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ इन्हें। कैसे जानती हो? ये मेरे प्रिंस चार्मिंग है। कपकेक? ये अंकल आपके सच में प्रिंस चार्मिंग है? पीहू बेटा आई एम सो सॉरी, मुझे पता है आप अपसेट हो, पर एक सेकंड, आपकी प्रिंस चार्मिंग तो स्वीट है ना, और केयरिंग भी है।
पर ये तो ऐसे नहीं है, ये न्यू वाली प्रिंस चार्मिंग है। पीहू बेटा मैं उफ मिसुत क्या कर दिया आपने, ये कोई और नहीं मिला जो मेरे जैसा हो। ये तो उन सबसे हेट करते हैं जिसे मैं पसंद करती हूँ। कुछ भी कॉमन नहीं हमारे बीच। मैत्री का कॉल आया तुम्हारे लिए। पीहू आप जाओ, मासी से बात करो, मैं आती हूँ। ओके सॉरी। नहीं आई एम सॉरी, मैं पीहू को यहाँ लेकर आया, मुझे उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। वो जो तुमने कहा कि मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग हूं, दैट वो तो आपके हाथ खुलवाने थे ना पीहू से, तो इसलिए मैंने बोल दिया था। कहना पड़ा, राइट? एंड इट वर्क्ड। खोल दिए मेरे हाथ, झूठ बोला। झूठी तो है सब कुछ। सच कहा था, ये सब कुछ झूठ है, सब एक ड्रामा है, राइट? मिस्टर मिस्टर, लो मासी से आपको बात करनी है। हाँ मैत्री, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुझे अपना ख्याल रखने की जरूरत है, जो तू बिल्कुल नहीं कर रही है। बात करवा मेरी नीरज से। जेल वाले बाल से। ये है आप दोनों में कॉमन। नीरज तो किसी काम से बाहर गया है, मैं कह दूंगी कि आपको कॉल करे। हाँ ठीक है, भूलना मत, मैं वेट कर रही हूँ। चल बाय। अब आप दोनों और कोई झगड़ा नहीं, प्लीज हाथ मिलाओ। 7 दिन कोई लड़ाई नहीं होगी। ओके 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 गुड। ये कपकेक खाएं क्या? साथ में खाए। चलो प्रिया। शायद तुमने सुना नहीं, प्रिया ने कहा बाहर वेट करो क्योंकि हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। प्रिया तुम मेरी बात, कृष्ण तुम मनमानी कर रहे हो। एक तो बिना बताए तुम यहाँ पर आ गए, एक फोन तो कर सकते थे ना मुझे। मम्मा हैंडसम पे गुस्सा, पहले तो कभी नहीं किया। देखो तुम प्लीज पीहू को लेकर बाहर गाड़ी में वेट करो, मैं आ रही हूँ, मैं तुमसे बात करूंगी। ओके प्लीज। कॉल तो करना ही चाहिए था। आई एम सॉरी कि मैं ऐसे आ गया। सब बिगाड़ दिया उसने। इतने एफर्ट्स के बाद मेरे और पीहू के बीच में थोड़ी दोस्ती बन रही थी, थोड़ी सी। ही जस्ट केम एंड रूइंड एवरीथिंग। उसने जानबूझकर नहीं किया। कोई भी ये रिकॉर्ड दिखेगा तो परेशान होगा ना। हाँ तो मुझसे आकर बात कर सकता था, सीधा आके इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी। मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि किसकी मजबूरी का फायदा उठा, किसी को ब्लैकमेल करूं, वो भी उसकी बच्ची को लेके। दैट्स नॉट मी। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता प्रिया, ये बात तुम जानती हो, उसे समझाओ। वो जानता है मिस्टर कपूर, मैंने पीहू से उन 2 सालों का सच छिपाने के लिए बहुत कुछ किया है। उसे नॉर्मल बचपन देने के लिए दर दर की ठोकरें खाई है मैंने। इतना सब करने के बाद अगर उसे पता चल गया कि उसकी माँ जेल गई थी, नहीं नहीं हो सकता ऐसा। इसने तुम्हें थ्रेटन किया तो तुमने मुझे आके बताया क्यों नहीं? यू शुड हैव टोल्ड मी, मुझे बताती तो। किस हक से? उसी हक से जिससे मैंने तुमसे मदद मांगी। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हारी सेफ्टी में का ध्यान मैं दूं। ये मेरा काम है, दिस इज माय जॉब, एंड राम कपूर अपने जॉब से, अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता, ये बात तुम जानती हो प्रिया। काम जॉब, मैं जानती हूँ कि मैं और पीहू फिलहाल आपके लिए यही है, लेकिन वो मेरे लिए मेरी बच्ची है, मेरी जान है, और उसे इस वक्त अपनी माँ की जरूरत है। मेरा साथ छोड़ने के लिए एक्सक्यूज दे रही हो, राइट? बिल्कुल नहीं, किसी का साथ छोड़ने के लिए मैं बहाने नहीं ढूंढती हूँ मिस्टर कपूर। आपका साथ देने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया था, और मैं उससे पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी।
पर मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। उसने पहली बार मुझे और कृष को लड़ते हुए देखा है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए। जाने से पहले मुझे ये बताओ प्रिया, ये किसने किया है? शुभम ने? हाँ? नहीं, आपकी मॉम ने। मॉम? I don't know what to say. I know ये गलत है। प्रिया तुम्हें समझना होगा कि उनकी हालत पिछले कई सालों से ठीक नहीं है। पिछले 5 सालों से उनका मेडिकेशन चल रहा है। She is on therapy and वो मुझे पसंद नहीं करती। अगर उन्होंने गुस्से में पीहू को कुछ बताया, ऐसा नहीं करेगी। कोई ऐसा नहीं करेगा। मेरा वादा है तुमसे प्रिया। प्रिया, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुमसे। वो पहले ऐसी नहीं थी। उस हादसे के बाद तुम समझ रही हो? मैं समझती हूं, पर इस वक्त पीहू को मेरी जरूरत है। मुझे प्लीज जाने दीजिए। मैं आपसे घर पर मिलती हूं मिस्टर कपूर, आई प्रॉमिस। पीहू को कुछ पता नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।